जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी और ब्रेड से एकदम कुरकुरा नाश्ता रेसिपी। इसे बनाने के लिए आपको पहले से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, बस सोचिए और बना लीजिए। तो इस नाश्ते को आप घर आए मेहमानों के लिए या फिर आप शाम के छोटी मोटी भूख में इसे बना के खा सकते हैं। तो ये बहुत ही कम मेहनत में और कम समय में सूजी और ब्रेड से बनाएंगे नाश्ता, जिसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के नाश्ते में या फिर कहें बच्चों के लंच बॉक्स में इसे बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाला रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आधी कटोरी सूजी लेंगे। तो इस तरह से सूजी को एक बोल में हम डाल लेंगे। आप सूजी कोई भी ले सकते हैं। और साथ में हम लेंगे इसमें आधी कटोरी से थोड़ा कम हम इसमें दही लिए हैं, चम्मच से 2 चम्मच के लगभग हम दही लिए हैं। और सूजी के साथ में डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दही सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। तो इस तरह से पहले हम 2 चम्मच पानी डाले हैं दही और सूजी के साथ में, और फिर इसे मिक्स कर ले रहे हैं। ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके इसको हम मिक्स करते जाएंगे, इतना कि जब तक हमारा सूजी अच्छे तरीके से भींग ना जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस सूजी भींगने भर हमें पानी डालना है। तो हम 2 बार करके थोड़ा थोड़ा करके पानी डाले हैं, चम्मच से 4 या 5 चम्मच हम पानी लगभग डाले हैं। और दही सूजी और पानी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी, देख सकते हैं एकदम लटपट सा है, ज़्यादा इसमें हम पानी नहीं डाले हैं। और इसको बस अब हम ढक देंगे और ढककर इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि सूजी जो है थोड़ा फूल जाए हमारा। तब तक हम आगे का तैयारी कर लेते हैं। तो इसे ढक्कन लगा के हम साइड में कर लेते हैं और फिर हम आगे का तैयारी कर लेते हैं। तो 4 हम स्लाइसेस ब्रेड का लेंगे। तो ब्राउन ब्रेड हम लिए हैं, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, जैसे कि मल्टीग्रेन या फिर वाइट ब्रेड भी आप ले सकते हैं। हम ब्राउन ब्रेड लिए हैं। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी जार में डाल के इसका ब्रेड क्रम बनाएंगे। तो छोटे छोटे टुकड़े करके डालने से ये अच्छे तरीके से पीस जाएगा। आप देख सकते हैं हम सारे ब्रेड को तोड़ कर डाल दिए हैं मिक्सी जार में। अब इसका ढक्कन लगा के हम इसका ब्रेड क्रम बना लेंगे। और आप देख सकते हैं इसका हम ब्रेड क्रम बना लिए हैं। तो आप इस नाश्ते को बनाने के लिए 2 दिन पुरानी भी ब्रेड यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे घर में फ्रिज में रखी रहती है तो 2 दिन पुरानी हो जाती है, तो उस ब्रेड से भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ब्रेड क्रम्स जो है बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम फिर आगे का तैयारी करते हैं। तो इसे हम साइड में करते हैं और फिर हम एक थाली लेंगे, उसमें हम कुछ वेजिटेबल्स कट किए हैं उसे डालेंगे। तो हम 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाले हैं, बड़े साइज़ का प्याज था उसे हम रफली चॉप कर लिए थे, इसे डाल ले रहे हैं। साथ में हम शिमला मिर्च डाल ले रहे हैं, तो शिमला मिर्च का बीज हटा के हम कट कर लिए थे, इसे डाल ले रहे हैं। साथ में हम 1 गाजर को ग्रेट कर लिए थे, उसे भी डाल लिए हैं। और साथ ही हम 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्ची डाल ले रहे हैं। तो तीखा आप अपने अनुसार रखिएगा। साथ में कुछ मसाला ऐड कर लेंगे। तो 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच हम भुना हुआ जीरा पाउडर डाल ले रहे हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल ले रहे हैं 1/2 चम्मच, और साथ में मिर्च पाउडर डाल लेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे खूब सारा बारीक कटी हुई हरा धनिया। तो वेजिटेबल आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं, जो पसंद नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हैं। और इधर ढक्कन हटा ले रहे हैं, हमारा सूजी जो है 10 मिनट में एकदम अच्छे तरीके से फूल कर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। और एकदम से सूखा सूखा है, पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हैं चम्मच में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। और फिर इसे हम सारे वेजिटेबल के साथ में सूजी को डाल लेंगे। तो इस तरह से सारे सूजी को हम निकाल के और सब्जियों के साथ में हम डाल लिए हैं। और डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स जो हम बनाए थे, ब्रेड क्रम्स हम इसमें डालेंगे। तो सारे ब्रेड क्रम्स को डाल लेना है, 4 ब्रेड से हम बनाए हैं ब्रेड क्रम्स को, और एक साथ हम डाल लिए हैं। अब हम हाथ को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे, आप चाहे तो ग्लव्स भी लगा लीजिए, और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सूजी, ब्रेड क्रम्स और वेजिटेबल्स को हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको एकदम डो की तरह बना लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप बीच में थोड़ा सा और ब्रेड क्रम्स बना के डाल सकते हैं, अगर आपका सूजी में पानी ज़्यादा पड़ गया हो तो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सूजी भिंगाने वक्त आपको पानी ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, नहीं तो आपको खूब सारा ब्रेड क्रम्स डालना पड़ जाएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से हम ब्रेड क्रम्स और सूजी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं, आप देख सकते हैं इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और एकदम बिल्कुल ये डो की तरह बनकर तैयार हो गया है। और एकदम अच्छे तरीके से इसे हम समेट लिए हैं, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट सा डो हमारा लगकर तैयार हो गया है और हाथ में भी नहीं चिपक रहा है। तो चलिए अब हम इस नाश्ते को बनाएंगे। तो इसे हम 3 भाग में पहले कर लेते हैं, ताकि नाश्ते बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए और आसानी से बनकर तैयार हो। तो इस तरह से 3 भाग में हम कर लिए हैं डो को। अब तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम एक चॉपर बोर्ड लिए हैं, उसमें पहले से ऑयल को हम ग्रीस कर लिए थे हल्का।
और फिर हम इस तरह से डो का एक भाग उठाए थे और इसे हम रोल कर ले रहे हैं हाथ से। थोड़ा सा हम हाथ में ऑयल लगा के चिकना कर लिए थे ताकि हाथ में चिपके नहीं, और आप देख सकते हैं इस तरह से चिकना हम रोल कर लिए हैं। और अब इस रोल को हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, तो साइज आप अपने अनुसार रखिएगा। और चाकू को रब करते हुए छोटे छोटे पीसेस में हम इसे कट कर ले रहे हैं। इससे क्या होता है कि नाश्ता एक साइज में और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार ही होता है। आप चाहे तो एक एक करके भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से कट करके बनाएंगे तो आपका नाश्ता जो है झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक पीसेस को हम उठाएंगे, हाथ से थोड़ा सा चिकना कर ले रहे हैं ताकि जो भी वेजिटेबल्स बाहर आए हैं कट करते समय वो अच्छे तरीके से नाश्ते के ऊपर सेट हो जाए। तो बस हाथ से हल्के हाथ से दबाते हुए इसे हम नाश्ते को बनाएंगे। और डो का दूसरा भाग भी हम उठा लिए हैं और इस तरह से रोल करके इसके पीसेस में कट कर लेंगे। और लीजिए, हमारा नाश्ता जो है बनकर तैयार हो गया है, एकदम एक बराबर में, एक साइज में और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे और आप देख सकते हैं एकदम से कहीं से टूटा फूटा नहीं है और एकदम चिकना और एक साइज में हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तो हम पैन में पहले से ऑयल गर्म करने के लिए रख दिए थे और फिर एक एक नाश्ते को उठाएंगे और एक साथ हम 5 से 6 नाश्ते को डालेंगे और इसे अलटते पलटते अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो डालने के बाद 1 मिनट तक हम छोड़ दिए थे। जब ये नीचे से हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम नाश्ते को एक एक करके पलटी कर लेंगे और चारों तरफ से अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि कहीं से कच्चा ना रहे और एक कलर में हमारा नाश्ता जो है फ्राई हो जाए। तो इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए एकदम अच्छे तरीके से चारों तरफ से इसे फ्राई करना रहता है ताकि एकदम गोल्डन कलर आ जाए हमारे नाश्ते में। और इस तरह से अलट पलट के एकदम अच्छे तरीके से हम पका लिए हैं और एक एक नाश्ते को अब हम निकालते जाएंगे। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर नाश्ते को निकाल लेंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर रहे हैं और ये बहुत ही ऑयल कम सोखता है और बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। आप देख सकते हैं इसी तरह से बाकी का जो नाश्ता है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे, बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएगा। और हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं और इस तरह से एक साथ 5 से 6 नाश्ते को डालेंगे और अच्छे तरीके से अलटते पलटते एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाना रहता है। तो खूब सारा वेजिटेबल्स और सूजी ब्रेड से हम इस नाश्ते को बनाए हैं, एकदम हेल्दी तरीके से ये नाश्ता जो है बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से हल्का सा सॉफ्ट, बहुत ही यम्मी बनकर ये तैयार हो जाता है और बहुत ही हेल्दी लगता है। तो इसे मैं तोड़कर दिखा रही हूँ, एकदम कुरकुरी सी नाश्ता जो है हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इसे हम टमाटो केचप के साथ सर्विंग प्लेट में लगा ले रहे हैं और आप देख सकते हैं नाश्ता कितने अच्छे तरीके से हमारा फ्राई हुआ है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा और इस तरह से अपने घर में सूजी और ब्रेड से नाश्ता बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।